नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुरादनगर के सैथली गांव की अंजिमा त्यागी ने पर्यावरण को बचाने की अनोखी पहल शुरू की है। गांव में बेटी पैदा होने पर अंजिमा स्वजन को सम्मानित करने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। वह ढोल बाजे बेटी और मां के लिए गिफ्ट लेकर जाती है। बेटी के नाम का एक पौधा रोपित कराती है। उस पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी स्वजन को सौंपती है। अब तक वह 550 से ज्यादा स्वजन को सम्मानित कर पौधे रोपित करवा चुकी है। पौधे का नाम बेटी के नाम से रखा जाता है। अंजिमा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मानित करा है। अंजिमा त्यागी गांव की प्रधान रह चुकी हैं। MSc करने के बाद अंजिमा ने अपने बच्चों व घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। अंजिमा ने 2016 में बेटी के प्रति ग्रामीणों की धारणा बदलने का निर्णय लिया। इस मुहिम को सफल बनाने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने गांव की आंगनवाड़ी महिलाओं के साथ मिलकर अपनी एक टीम तैयार की। उनकी टीम गांव में गर्भवती महिलाओं की सूची बनाकर रखती है। गांव में 8,500 की आबादी है। बच्चा पैदा होने पर वह फोन कर बेटी व बेटा पैदा होने की जानकारी लेती है। बेटी के जन्म लेने की सूचना मिलते ही अंजिमा त्यागी अपनी टीम के साथ जश्न मनाने के लिए निकल जाती है। वह पूरे गाँव में ढोल व बाजा बजवाते हुए बेटी के घर पहुँच जाती है। ढोल बाजे के साथ अंजिमा को देख ग्रामीण समझ जाते हैं कि गांव में बेटी ने जन्म लिया है। सभी ग्रामीण इस जश्न में शामिल होते हैं। बेटी के घर ढोल बजाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।